और हरियाणा सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान। हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 की गई। आपातकाल के पीड़ितों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। नई पेंशन दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 कैटेगरी में दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी, अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर खुद भरना होगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आयकर में बदलाव को लेकर फैसले का ऐलान किया। राज्य में अभी तक सरकार मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था। अब 52 साल बाद मोहन यादव सरकार ने नियम में बदलाव किया है। फैसले के ऐलान के बाद मोहन यादव ने कहा कि कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका राज्य में दीर्घकालिक प्रभाव होगा।